हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास फिफ्थ का ईवीएस का लेसन 4, खाएं आम 12 महीने। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से खाने पीने की चीज़ें ख़राब होती हैं, उनके ख़राब होने का क्या कारण होता है और किस तरह से हम पहचानते हैं कि कोई भी खाने की वस्तु ख़राब हो गई है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो कोई भी खाने की वस्तु या फिर दवाई आदि जब हम खरीदते हैं तो हमें कौन सी महत्वपूर्ण बातों का ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसके अलावा हमने पढ़ा था कुछ खाने पीने की चीज़ों को हम एक दो दिन तक ठीक रखने के लिए यानी उनको ख़राब होने से बचाने के लिए हम कौन से घरेलू उपाय कर सकते हैं। इसके बाद में हम आज आगे बढ़ते हैं। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू ने बनाया मामीडी तांड्रा। आप सोच रहे होंगे ये मामीडी तांड्रा क्या है। मामीडी तांड्रा बेटा आम पापड़ को बोलते हैं आंध्र प्रदेश साइड में, क्योंकि जो आंध्र प्रदेश राज्य है वहाँ पर भाषा लैंग्वेज अलग होती है। तो आइए पढ़ते हैं कि चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू इन दोनों भाइयों ने किस तरह से बनाया। चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गाँव में रहते हैं। छुट्टियों में उन्हें आम के बाग में खेलना बहुत पसंद है। जब पेड़ आम से लदे होते हैं, क्योंकि आपको पता है ना सभी को कि गर्मियों के मौसम यानी ये जो मई जून का महीना होता है ना, इसी में आम बहुत ज़्यादा होते हैं और इन्हीं दिनों में हमारी छुट्टियां पड़ती हैं। उन्हें कच्चे आम को काटकर नमक मिर्च लगाकर खाना भी बहुत पसंद है। उनके घर पर उनकी अम्मा कच्चे आम को अलग अलग तरह से बनाती है। वो आम का अचार भी 3-4 तरीके से बनाती है। आम का अचार साल भर तक चलता है यानी अगले मौसम के आने तक। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था ना बेटा कि आपकी कुछ चीज़ें, फेवरेट चीज़ें, आप जब भी आपका मन करे आप उनको साल भर खा सकें, इसके लिए कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हम उनका अचार बना सकते हैं, आम पापड़ बना सकते हैं, टॉफ़ी बना सकते हैं, चटनी बना के रख सकते हैं। बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे आपकी फेवरेट चीज़ को आप साल भर तक खा सकते हो। एक दिन शाम को खाना खाते समय चिन्ना बाबू ने कहा, अम्मा इतने सारे आम पके हुए हैं, उनका मामीडी तांड्रा बनाओ ना। तो फिर उनके अप्पा ने कहा, यह तो 4 हफ्तों का मेहनत का काम है, अगर तुम दोनों भी हमारी मदद करोगे तो हम सब मिलकर मामीडी तांड्रा बनाएंगे। तो भाइयों ने मदद के लिए हामी भर दी। अगले दिन सुबह दोनों भाई अपने अप्पा के साथ बाज़ार गए। वहाँ से चटाई, कैजुरीना पेड़ के डंडे, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी खरीद कर लाए, यानी आम पापड़ बनाने का सारा सामान वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में खरीद कर ले आए। फिर अम्मा ने आंगन में कोना ढूंढा जहाँ पर दिन भर अच्छी धूप आती हो, क्योंकि अच्छी और कड़क धूप में आम पापड़ अच्छा बनता है, जबकि नमी वाली जगह में आम पापड़ खराब होने का डर रहता है। तो यहाँ दोनों भाइयों ने डंडों से एक ऊँचा मचान बनाया, जो कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, अपनी अम्मा के साथ बना रहे हैं। उन्होंने उस मचान पर रस्सी की सहायता से चटाई बांधी। अगले दिन अप्पा ने सबसे ज़्यादा पके हुए आम अलग छाटे, क्योंकि आम पापड़ बनाने के लिए पके हुए आम अच्छे रहते हैं, उनमें रेशा कम होता है। सभी ने मिलकर आम का गुदा निकाला यानी उसका जो पल्प होता है ना वो निकाला। फिर एक बड़े से बर्तन पर पतले सूती कपड़े से आम के रस को छान लिया। उसके बाद हम देखते हैं इन्होंने क्या किया। चिट्टी बाबू ने गुड़ को अच्छे से तोड़ा ताकि उसमें बिल्कुल गांठ ना रहे। फिर उन्होंने आम के रस के बराबर ही मात्रा में गुड़ और चीनी डाली, यानी जितना उन्होंने आम का रस लिया था आम पापड़ बनाने के लिए उतनी ही सेम मात्रा में चीनी और गुड़ मिक्स किया। चिन्ना बाबू ने उसे बड़े चम्मच से अच्छी तरह से मिलाया। अम्मा ने इस मीठे गुदे की एक पतली सी परत चटाई पर फैला दी, यानी जो उन्होंने मीठा रस तैयार किया था गुड़ और चीनी के साथ में, उसको उस चटाई पर यानी जो मचान बनाया था उस पर एक पतली परत फैला दी। फिर उसे धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया। दिन छिपने पर बेटा उन्होंने उसको एक साड़ी से ढक दिया ताकि वो ख़राब ना हो। अगले दिन उन्होंने फिर से आमों का गुदा निकाला, उसमें गुड़ और चीनी मिक्स करी। फिर उन्होंने पिछले दिन वाली आम की परत पर एक और परत जमा दी। चौथे दिन से अम्मा ने बाकी का काम चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू को खुद करने को कहा, क्योंकि 3 दिन से वो ये सब देख रहे थे तो उन्हें खुद को ये करना आ गया था, इसलिए चिन्ना बाबू और चिट्टी बाबू ने ही ऐसा किया। दोनों ने मिलकर ऐसी कई परतें जमाई और अगले 4 हफ्ते तक उन्हें यही चिंता रही कि कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि अगर बारिश हो गई तो उनकी सारी मेहनत और सारा
सामान जो उन्होंने खरीदा है सब वेस्ट चला जाएगा। अगले 4 हफ्ते बाद आम पापड़ की परत पर परत 4 सेंटीमीटर मोटी हो गई और एक सुनहरा बिछौना यानी उसका जो कलर था वो गोल्डन हो गया था, तो बहुत सुंदर कलर आया, तो इस तरह से लगने लग गया था बिछौने की तरह से। कुछ दिन बाद भानुमती ने कहा, अब आम पापड़ तैयार है, कल हम इसे निकाल कर इसके टुकड़े काटेंगे। अगले दिन उन्होंने आंगन से मचान से चटाई हटाई और आम पापड़ की परत को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा और अपना बनाया हुआ आम पापड़ चखा। तो चिन्ना बाबू कहते हैं, मज़ा आ गया, आखिर अपना हाथ भी तो लगा था इसमें, क्योंकि बेटा जो काम हम खुद अपनी मेहनत से करते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। कहते हैं ना, मेहनत का फल मीठा होता है। यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन है, आम के गुदे में गुड़ और चीनी मिलाकर धूप में क्यों सुखाया होगा? आम के गुदे में गुड़ और चीनी मिलाकर आम पापड़ बनाने के लिए धूप में सुखाया, क्योंकि धूप में सूखने से वो अच्छा हो जाता है। बाबा ने आम पापड़ बनाने के लिए सबसे पहले पके हुए आम क्यों छाटे? क्योंकि पके हुए आमों में रेशा कम होता है, इसलिए। इसके बाद मामिडी तांड्रा की विधि पूछी हुई है, इसमें बताना है कि मामिडी तांड्रा कैसे बनाया था। तो अभी हमने पढ़ा ना बेटा, कैसे बाज़ार से वो पहले सामान खरीद के लाए, फिर उन्होंने मचान बनाया, आम का रस निकाला, उसमें गुड़ और चीनी मिलाई, फिर उसकी परत चटाई पे बिछा के उसको धूप में सुखाया 4 हफ्तों तक। इस तरह 4 हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद दोनों भाइयों ने आम पापड़ बनाया। इसके बाद में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि तुम्हारे घर में कच्चे व पके हुए आम से क्या क्या बनाते हैं? कच्चे आम से बेटा हम कच्चे आम की चटनी बनाते हैं, कच्चे आम का पन्ना बनता है जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बहुत ही लाभकारी होता है, गर्मियों में हमें लू से भी बचाता है। इसके अलावा आम के तरह तरह के अचार भी डलते हैं और पके हुए आम से मैंगो शेक बनता है, आम पापड़ बनता है, मैंगो जूस या आइसक्रीम भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट, तुम्हें कितनी तरह के अचारों के बारे में पता है? सूची बनाओ। हम सभी ने बेटा आम का अचार, मिर्च का अचार, गाजर का अचार, करौंदे का, आंवले का, जिमीकंद का, इस तरह के बहुत सारे अचार हम लोगों ने खाए हुए हैं और देखते भी हैं। आगे है, पता करो और चर्चा करो, क्या तुम्हारे घर पर कोई अचार बनाता है? कौन सा अचार कौन बनाता है और उन्होंने यह तरीका किससे सीखा? हाँ, हम सभी के घर पे कोई ना कोई अचार अक्सर बनता है और यह अचार हमारे घर में हमारे बड़े यानी हमारे मम्मी, दादी या नानी बनाती हैं, और उन्होंने यह किससे सीखा होगा? अचार बनाने का यह तरीका उन्होंने अपने बड़ों से यानी अपनी मम्मी से, मौसी, दादी, इनसे सीखा होगा। तुम्हारे घर में बनने वाले किसी एक अचार बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? अचार बनाने का क्या तरीका है? हम सभी के यहाँ बेटा जो अचार होता है, डलता है, तो उसमें सभी लोग कुछ सामान्य मसाले होते हैं जो सभी लोग डालते हैं, जैसे अजवाइन, दाना मेथी, सौंफ, कलौंजी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, काला नमक, तेल, इस तरह के जो मसाले होते हैं ये हम सभी अचार में इस्तेमाल करते हैं। आगे है, पापड़, चटनी, बढ़िया और सॉस तुम्हारे यहाँ कैसे बनते हैं? पापड़ जो होता है बेटा, उड़द की जो दाल होती है उसको भिगो के, उसको पीस के उसका एक आटा तैयार किया जाता है और उसमें मसाले मिलाए जाते हैं जिससे बनता है। और चटनी पहले के ज़माने में लोग सिलबट्टे से बनाते थे और आजकल मिक्सर ग्राइंडर में बनाते हैं। और ये जो बढ़िया होती हैं ये भी उड़द या दूसरी तरह की दालों को भिगो के बनाई जाती हैं मसाले मिला के। नेक्स्ट है, पुणे से कोलकाता तक गाड़ी में यानी रेलगाड़ी में आने में 2 दिन लगते हैं, तुम्हें सफ़र में जाना हो तो तुम खाने में क्या क्या ले जाना पसंद करोगे, उसे कैसे पैक करोगे और सब मिलकर उसकी एक सूची बनाओ, और सबसे पहले आप क्या खाओगे? तो बेटा हम सब्जी, पूड़ी, बिस्किट, नमकीन, फल, मेवे, इस तरह की चीज़ें ले जाना पसंद करेंगे ट्रेन में, और सबसे पहले वो चीज़ें खाएंगे जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जैसे पूड़ी, सब्जी या फल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, हम क्या समझें? शीशियों में अचार रखने से पहले शीशियों को धूप में सुखाया जाता है, क्यों? क्योंकि उनमें जो नमी होती है उसके कारण अचार ख़राब हो सकता है, इसलिए अचार डालने से पहले शीशियों को धूप लगाई जाती है।
अगला है, आम को पूरे साल चलाने के लिए उसका अचार, आम पापड़, चटनी, टॉफ़ी, रस बनाते हैं, तो कुछ और ऐसी चीज़ों के नाम बताओ जिनको हम अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो आंवला होता है बेटा, उसका हम मुरब्बा बनाते हैं, नारियल की गरी बनाते हैं, या फिर बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनकी हम चटनी या अचार बनाकर रख देते हैं जिससे हम उसको लंबे समय तक चला सकें। इस तरह बेटा हमारा ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है, और आप इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे और जब वीडियो देखेंगे अपनी बुक्स को खोल के रखेंगे तो आप इसको रिवाइज़ भी करेंगे। धन्यवाद।